अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल जैसा आपको बताया था कि हम आज क्या शुरू करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक का दूसरा कानून, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का दूसरा कानून देखिए, जिस तरह से हमने पहला कानून पढ़े, पहले कानून में क्या था, बताया ना मैं, पहला कानून क्या था कि हरारत ना फना की जा सकती ना बनाई जा सकती, लेकिन क्या होता है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल तैयार करती, ये थर्मोडायनामिक का पहला कानून। और थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ में ये बताना है हमको कि वो एक्चुअली होता भी है नहीं, इसको हम देखें। अब इसको पहले देखिए, मराजाती तरीका, गैर मराजाती तरीका, रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसा है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रहता है, इरिवर्सिबल रहते हैं। रिवर्सिबल जैसा मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं, जो रिवर्सिबल रहता है उसका ये इक्वेशन सही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला पानी बन गया, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं H2O। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब रिएक्शन हो जाते हैं तो दोबारा वो नहीं बनते, नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर जैसा आप एक रास्ते से गए मार्केट और उसी रास्ते से वापस आ गए, गहना और आना रिवर्सिबल हो गए, लेकिन एक रास्ते से गए दूसरे से आ गया, ये रिवर्सिबल हो गए, गए बुरा चाहते होंगे। तो ऐसे ही इसके अंदर ये देखना है कि क्या हरारत रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल। इसकी पहले एक एग्जांपल देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप ठंडा बर्तन है उसको गर्म कर रहे, तो सबसे पहले कौन सा चीज गर्म होगी बर्तन की, एकदम डायरेक्ट बर्तन गर्म होंगे, सबसे पहले क्या चीज गर्म होगी, कायदे की नीचे की चीज ना, उसका जो पेंदा रहेगा वो गर्म होगा, है ना। धीरे 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 क्या होगा, पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा। अब अगर आपने उसको ठंडा किए तो ठंडा करने में ऐसा होगा कि पहले पर ऊपर का बर्तन ठंडा होगा फिर नीचे का, हाँ, लेकिन जैसा पहले गर्म होने में क्या हुआ, ठंडा गर्म हुआ बाद में गर्म हुआ, लेकिन ठंडा होने में ऐसा हुआ क्या, ठंडा होने में ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो इसी तरह से कोई चीज जैसे मिसाल के तौर पर आपने गैस जला दी, अब वो जो गैस जल गई उसको दोबारा गैस में तब्दील कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं, नहीं ला सकते जी। तो यही थर्मोडायनामिक का दूसरा कारण है कि कोई चीज हम इस्तेमाल करने के बाद वो दोनों, इसी पर उसने जो है ये निकाला हीट इंजन, हरारती इंजन। हीट इंजन क्या होगा, मिसाल के तौर पर देखिए कि यह है इंजन और यह है कि मक्जन इसका है। अब ये साफ साफ है ना, यहां से जरा है हरारत की जरा है, यह क्या है, ये हरारत का जरा है जहां से हरारत हासिल करें,
अब इसमें क्या क्या ये इंजन ने ये हरारत यहां से हासिल की, इसका टेम्परेचर T1 है, तो क्या होगा कि ये इंजन का इस हरारत की वजह से कुछ काम होगा, कुछ काम होगा उसका डब्ल्यू काम होगा इस हरारत में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब ये जैसे इसमें T1 हरारत है, ये इसे T1 हरारत दर्ज की किसने, इस इंजन ने T1 हरारत दर्ज की, तो ऐसा होगा कि ये पूरी की पूरी हरारत जो है वो काम में तब्दील कर देगा? नहीं, कुछ हरारत जाहिर जाएगी, कुछ हरारत जो है यहाँ पर करो ये Q2 हरारत आ गई है ना, Q2 हरारत इधर आ गई, तो कुछ वेस्ट होती है कुछ है। तो ऐसे ही हम देखें कोई भी चीज को जब जलाते हैं तो पूरा का पूरा हरारत कुछ एटमोसफेयर पर हरारत चल जाती है, कुछ माहौल पर चल जाती है, खत्म हो जाती है। इसको समझ गया, तो असल में Q1 एक्चुअली हरारत कितनी है, Q1 कुछ इधर गई कुछ इधर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 क्या हरारत कहाँ गई, कुछ काम में सर्फ हुई और कुछ Q2 सर्फ, W=Q1, ये दो किस्म के दो मत हुए। इसी से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं W=Q1 - Q2, ये Q2 को इधर लागू Q2, तो W=, क्या हो गया हमारे फोर्स Q1 - Q2, पागल से। अभी देखिए जैसे हम क्या करते हैं, एक और देखेंगे, आपके आपके पास फर्स का व्हीकल है ये, है ना, ये आपका व्हील है इसका गाड़ी का, ये एक इंजन है इसका, इसका लगा असल में जो आप वो क्या करते हैं, किक मारते हैं, इससे क्या होता है किक्स, तो गाड़ी जो क्यों होती है एक्चुअल में जो किक से क्या होता है, स्पार्क होता है, थोड़ा सा स्पार्क होता है। देखिए वो आप देखेंगे अगर कभी किक नहीं मारे तो वो गैरेज जो आपको क्या करता लगा के वो प्लग निकाल के देखता, तो जब वो टच करता तो देखो चिंगारी स्पार्क होता। तो क्या होता है कि जब आपने किक मारे तो स्पार्क की वजह से ये इंजन में हरारत होती है, ये हीट क्या करती है, इसको ढकेलती है, ढकेलने की वजह से ये जो ये क्या करता है कि टायर को ढकेलता है, कैसा रखेगा देखिए इसको इस तरह से खींचता ही घूमते है, ये ऐसे घूमते जाता है, ये पैर ऐसा जाएगा तो टायर ऐसा होगा, फिर ऐसे जाएगा टायर ऐसा होगा, इसकी बनस्पत स्पीड से घूमता है तो टायर भी स्पीड से घूमता है ना। अब दूसरा हम देखेंगे और आपका व्हीकल का क्या होता है कि स्पीड कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है, स्पीड कैसे बढ़ती है आपकी कैसे कर कैसे, हाँ एक्सेलेटर, एक्सेलेटर है ना, तो एक्सेलेटर क्या करता है देखिए, एक्सेलेटर दबाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से इंजन बहुत ज्यादा फ्राम होता है, ईंधन पेट्रोल डीजल वो ज्यादा फ्राम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको हीट ज्यादा मिलती है, हीट ज्यादा मिलती स्पीड में। अब अगर आप एक्सेलेटर छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये कम होता है, ईंधन कम होता है, उसकी स्पीड कम होती है, रफ्तार भी कम होती है, और जब आप क्या करते हैं बंद करते से वो इंजन बंद होता गाड़ी बंद हो जाती। तो यही मसला जो है थर्मोडायनामिक का इसमें कि हरारत जो है ये इसके टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो कभी भी ये क्या होगा T1 > T2, T1 की टेम्परेचर ज्यादा होगी ना, ये टेम्परेचर ज्यादा है इससे ज्यादा है, तो क्या होगा इसके अंदर ये इंजन के अंदर ये T1 एक इससे काम हो रहा और एक हरारत, ये इक्वेशन बन गई। अब हमको ये निकालना है एफिशिएंसी, सलाहियत इंजन की सलाहियत एफिशिएंसी बोलते हैं। आप देखेंगे ना कि अक्सर सुनोगे आप इंजन तो इसका इंजन ज्यादा है, इतने ज्यादा सिखाया इतना बड़ा है ना, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें काम करने की सलाहियत ज्यादा है, और काम करने की सलाहियत क्या होती है ये देखिए,
उसकी लिखी है सलाहियत इफिशियंट। सलाहियत क्या होती है? ये किया गया काम और काम कब हुआ, किस चीज की फराहम की हमने, हरारत। हरारत की वजह से काम हुआ ना, तो किया गया काम बटे हरारत। किया गया काम क्या है? W। हरारत क्या है? कौन सी हरारत दी हमने? Q1। और इसराइयत इसकी एफिशिएंसी, इसको ईटा से जाहिर करते हैं। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। अब ये समझाएंगे इसको, आप भी जो है इसके अंदर सर्द सर्द खाने में भी इसी तरह से होगा। आई पे हरारत उसको वो पूरा का पूरा है ना हरारत करके एडजस्ट कर देगी। हाँ हरारत एडजस्ट कर रही है इसलिए वो जो धीरे ठंड रहा, हरारत खारिज कर रहा है इसलिए वो गर्म है ना। तो ये सर्द खाने में हम बताए रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोई चीज क्या हो जाती है, सर्द होती है ना। अब कोई भी गर्म चीज रखना थोड़ी देर बाद भी सर्द हो जाएगी, क्यों होगा? हाँ क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर में ऐसा एटमोसफेयर ऐसा है सर्द है, सर्द होने की वजह से वो गर्म चीज ये हरारत जो है वो एडजस्ट कर, और इसकी हरारत खारिज हो रही। जब हरारत खारिज होने की वजह से वो चीज भी सर्द हो जाती है तो माहौल का बहुत असर पड़ता है ना। आप देखिए सर्दी के अंदर आपको कुछ चीज गर्म करना तो टाइम लगता गर्म करने, क्योंकि वो पहले वो गर्म होना आस पास का माहौल गर्म होना, जब जाके गर्मियों में आप रखते ही गर्म हो जाते क्योंकि पहले एटमोसफेयर गर्म होता है। तो ये क्या हो गया, ईटा इज W अपॉन Q1, इसका ये सर्द खान नहीं। अभी देखो W अपॉन Q1 और W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, Q1 माइनस अपॉन Q1। इसको और कैसे लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते 1 माइनस Q1 और Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिख सकते हैं ऐसा। देखो इसको मिसाल कैसा आपको ये दिया है, वन माइनस बी अपॉन ए, तो आप क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू वन ए माइनस बी और बटे में क्या रहेंगे ए, इसके बटे में क्या है नहीं है तो एक समझा जाएगा, किसी के बटे में नहीं है तो एक समझा जाएगा। तो दोनों की तरफ तो इसी तरफ दो एक ए तरफ है ए होगा, इससे इसको तरफ दिए तो ए आया, वन से बी को तरफ दी तो आगे समझे, तो इसको इसी तरफ दिया है। अब अगर ऐसा दिया गया था हम ऐसा लिखेंगे, तो ऐसे हमको ये फॉर्म भी दिया हुआ था इसको ये फॉर्म में, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इस तरह से ये इसकी एफिशिएंसी निकाल दे। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता देखिए कि अगर Q2 इज इक्वल टू 0, Q2 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये जो हरारत जराए हरारत के Q1 तो पूरा का पूरी हरारत जो है वो काम इस्तेमाल हुई, इसकी कोई हरारत जाए नहीं हुई। अगर Q2 जीरो कर दिए तो ये जीरो दिए पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू 1 यानी क्या हो जाएगा इफिशियंसी 1 यानी 100% यूज हुई। तो ऐसा नहीं होता है, तो यही थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ ये बताता है कि एक चीज जो है इस्तेमाल की गई तो उसको दोबारा उस शक्ल में हम नहीं ला सकते, जिसे इसके मिसाल दी हरारत गर्म करने पर एकदम यही सही। समझ आ गई,
अब इसमें और क्या रजत प्रश्न और गैर रजत प्रश्न, अच्छा इसको जो है ये ऐसा भी लिख सकते बताएंगे वन माइनस टी टू बाय टी वन, वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन के टी टू अपॉन टी वन, ये जो हरारत है इसमें टेम्परेचर तपिश, तो इसको ईटा के वन माइनस टी वन अपॉन टी टू अपॉन टी वन भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर इसका जो ग्राफ होता है ये बताया सिंह, पीवी ग्राफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टेबल, तो इसमें क्या दिया देखिए कि फर्स्ट कंडीशन ऐसी दिया है कि ये प्लस करो यहां से ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की जानी गए, सी से डी की जानी आए, और फिर डी से ए की जानी, ये प्रोसीजर। अब देखिए कार्नोट इंजन के अंदर ये बताया था, कार्नोट इंजन जैसा भी ये देखे हम कानून, तो इसके अंदर देखिए क्या किया उसने, अब ये फर्स्ट कर पोजिशन पे जो था प्रेशर दबाव पी वन वी वन टी वन, क्या था दबाव पी वन वी वन टी वन, यानी प्रेशर क्या है वन, दबाव हजम भी वी वन है और टेम्परेचर भी टी। अब यहां से शुरू होकर ये इस मुकाम पर आया था, यहाँ प्रेशर हो गया पी टू वी टू टी टू, तपिश में भी तब्दीली, वॉल्यूम में भी तब्दीली और तपिश में भी तब्दीली, प्रेशर दबाव में तब्दीली, हजम में तब्दीली। यहां से जब वो यहां आ गया तो फिर ये हो गया पी थ्री वी थ्री पी थ्री पी थ्री वी थ्री, अब यहां से फिर वो इधर इस तरफ आ गया तो फिर ये हो गया पी फोर पी फोर वी फोर टी फोर, और फिर यहां से हो गया तो फिर पहली पोजिशन का है पी वन। तो इसके अंदर जो है ये प्रोसीजर जो याद रखिए, इसको आइसोथर्मल कहते हैं, आइसोथर्मल को उर्दू में क्या कहते हैं बताया था मैंने, हम तरीक हम तपिक, हाँ हजमी जो एडियाबेटिक जो है वो ना गुजार है, और ऐसा थर्मल होता है हम तापी तरीके, तो हम तापी तरीके इसको लिखेंगे, हम तापी तरीक, फिर ये आगे एडिबेटिक ना हर गुजार, ना हर गुजार तरीक, फिर यहां से ये इधर आए हम तापी तरीक, फिर इसके बाद ये ना हर गुजार, उसको मैं इंग्लिश में लिख देता ताकि तुमको आसानी है। इसको लिखे आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बाद ये आ गया एडियाबेटिक, फिर ये आइसोथर्मल, और ये फिर एडियाबेटिक। ये बायोलॉजी का पीरियड हो जाएगा अभी आपका, चलिए चलिए
कौन सा? ये ऐसे थर्मल है ना, ये एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है, ऐसे थर्मल ऐसे थर्मल। ये हम तापी तरीक ना हम गुजार तरीक ना हम गुजार तरीक है हमने सामने। अभी आप इसमें कुछ डिफिकल्टी हो तो पूछो, अभी तक हमारा नहीं। आप पढ़कर आएंगे तो समझ जाएंगे, पढ़कर आएंगे तो डिफिकल्टी आएंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे? अच्छा मैंने वो बताया था ना आपको, ना गुजार का एडिबेटिक का कल गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी जो हुआ था, कह रहे थे वो देखो एक बार सब, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप थ्योरी करके तो क्या था। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 वेरी की PDV, इसको देखो क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। हाँ इधर देखिए, ये मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। देखिए अब हमने यहां क्या करे, इसको ये वी गामा है ना ऊपर लाए तो क्या हो गया, मनफी हो गया। हाँ अब ये झूका तू लिखेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, क्या फार्मूला, चलो बताओ इंटीग्रेशन फार्मूला बताओ, भूल गए। देखो ये बताता हूं, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन है, डीएक्स है, तो इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन का, तो याद रखना क्या करें, इसकी कुवत में एक जमा करें और बटे में वैसी लिखे। अब इसके एक एग्जाम्पल देता हूं, एक्स रेस टू फोर है डीएक्स, क्या हो जाएंगे, एक्स की कुवत 5/5, 4 जमा 1/4 डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर ऐसा है एक्स की कुवत 3 डीएक्स, क्या हो जाएगा, एक्स की कुवत 4/ जो भी रहेगा उसकी कुवत में जमा करेंगे एक और बटे में भी लिखे। तो ऐसे यहां इसका इंटीग्रेशन लेना है हमको, तो कैसा लेंगे इंटीग्रेशन, इसमें एक जमा करेंगे ना जी, और नीचे वही लेंगे, जैसे यहां n प्लस 1 भी अपॉन में n प्लस 1, अब यहां सही आता था जमा कर दिया, अब यहां मनफी गामा में तो झुकत हुई लिखेंगे, तो यहां यहां ये जैसे वैसे लिखेंगे आप, ये यहां लिखेंगे V1 V2। अब जब इसको और कैसे लिखेंगे,
माइनस वन प्लस गामा, वन प्लस में गामा माइनस में, ये वन प्लस में गामा, इसको ऐसा लिख सकते हैं वी वन वी टू हो गया। अब क्या करेंगे देखो, ये कॉन्स्टेंट म्यू आर टी जैसे बताएंगे, इसको इधर ला दी, बाहर निकाली है, क्या बचा प्लस में आएंगे, ऊपर आएंगे, यहां तक आगे सुनिए। अब देखो ये कॉन्स्टेंट बोले तो मुस्तकिल जरा म्यूआरटी जू का थोड़ी चीज हम, और ये वन माइनस गामा बोलो क्या करें हमने, ये देखो फार्मूला इस तरह से बताया था ना, ए रेस टू माइनस वन, ए रेस टू माइनस एक्स, ए रेस टू एक्स, अगर मनफी में है को बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा मुस्बत, मुस्बत में है तो बटे में लाए बाद मनफी, तो यहां देखो क्या होगा, ये मनफी वाला आजाद हो गया मुस्बत, और मुस्बत वाला आजाद हो गया मनफी, बटे में ला गए गया। अब इसके बाद यहां क्या करेंगे बताओ मुझे, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होता ना, देखो बार बार बता रहा हूं इसको ध्यान में रखो तुम, अगर आपके पास दिया x ऐसा a टू b तो क्या लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट, तो ऐसे यहाँ v की जगह अपर लिमिट रखेंगे सर, ये इधर लिखना है ये कॉन्स्टेंट म्यू आर टी जैसे कहते हैं शॉर्ट में, वन माइनस गामा, देखो क्या हो जाएगा ये v2 r माइनस वन माइनस वन अपॉन v1 r माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v की जगह या। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहां एक और फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा, जैसे ये कुवतों की ये मिसाल के तौर पर देखो, ए की कुवत एम दरब ए की कुवत एम, तो यहां क्या होगा कुवतों की जमा हो जाएगी, दोनों इससे पहले कर रहे हैं, और अगर ऐसा दिया आपको तो बटे में कुवतें क्या होंगी मनफी होंगी, अब ये देखो यहां दोनों जरा है तो कुवतों की जमा हो रही या बटे में कुवतों की मनफी हो रही, अब अगर ऐसा दिया गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो अब ये सूरत में दिया मैंने आपको, इसको ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ये तो आ जाएगा आपका वन माइनस गामा वन अपॉन वी टू की गामा अपॉन वी टू, माइनस वन है नहीं है बटे में, तो ये इसका नहीं भी लिखे तो वन समझे जाएंगे, ऐसे इसको करेंगे वी वन गामा बटे वी वन, अब ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये म्यू आर टी की वैल्यू रख देंगे हम, क्या है यहां लिख देंगे, ये पी टू वी टू है तो यहां वन अपॉन वन माइनस गामा पी टू, तो अब ये ऊपर चले जाएगा P2 V2
अपॉन, और ये क्या रहेगा V2 माइनस वन अपॉन, यहाँ भी P1 V1 अपॉन V1 इस तरह से इसको पहले से इधर पी टू वी टू है ये, हाँ ये देखो इसकी जगह पी टू वी टू रखे हमने, ये झुका तो रखे, ये पी टू वी टू कैंसिल होगा, पी वी ऊपर चलेगा, वन माइनस गामा पी टू वी टू, इसी तरह से यहाँ हमने ये झुका तो रखे, ये वी वन कैंसिल होगा, ये ऊपर चलेगा पी वन वी वन, इस तरह से इक्वेशन आई। इंटीग्रेशन को बार बार मैं आपको बता रहा था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ये फार्मूला ये रखिए आप। हो गया कि चलिए, एक तो फार्मूला आप अच्छी तरह लिखो रहा था इसको, इसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, उसके बाद ये x को tan dx x की कोट एंड dx, तो ये इसका इंटीग्रेशन है और ये इस तरह से रहा था, और कोई भी कांस्टेंट अदर जब जो रहा ना वो इंटीग्रेशन उसका जीरो होता है, इसलिए बाहर ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमने लिए थे इंटीग्रेशन p dv, तो p बाहर आएगा और ये d इंटीग्रेशन dv रहेगा।